हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सैंग्विन सारिका। मैं आप लोगों से आज एक बात शेयर करती हूँ। अराउंड 7-8 मंथ्स बैक माय सन कम्स एंड टेल्स मी कि मॉम आई हैव टू स्टार्ट जिमिंग, दैट टू इंटेंस वर्कआउट, एंड मेरे को बहुत ज़्यादा वाला जिम करना है, बहुत ज़्यादा वाला वर्कआउट करना है, मेरे को बॉडी बनानी है, ये वो। तो मुझे तो बहुत घबराहट हो गई। आई वॉज टेकन अबैक कि अब मैं इसको कैसे हेल्प करूँगी इसमें, कि सो दैट ही कैन यू नो बिल्ड हिज बॉडी, एंड इसकी डाइट का कैसे करूँगी सब। मेरे को तो बड़ी घबराहट शुरू हो गई थी। मैं तो मुझे लगा कि पता नहीं अब मेरा क्या होएगा, कि इसने तो बॉडी बनानी है, यहाँ पे मेरी हालत खराब हो जाएगी। बट सिंस आई ऑल्सो यूज टू बी अ फिटनेस फ्रीक यू नो सम टाइम बैक, तो मुझे लगा कि नो आई कैन डू इट इफ ही आई हैव टू हेल्प हिम इन हिज डाइट एंड ऑल। सो आई सेड ठीक है बेटा, जस्ट वील जस्ट बैंग ऑन, चलो भाई हम करते हैं, शुरू करते हैं ये, एंड डोंट फियर एनीथिंग, लीव ऑल एप्रिहेंशंस असाइड। तो मैंने इसका जो डाइट प्लान बनाया और जिस तरीके से मैंने इसको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड बीच में इन बिटवीन स्नैक्स क्या मील देना है, मिड मील क्या देना है, सुबह कितने बजे उठना है, शाम को कितने बजे, वो सारा एक फ्रेमवर्क सा बनाया, इसके साथ डिस्कस किया, ही रियली लाइक्ड इट, एंड हम लोगों ने दोनों ने देन यू नो वी आर ऑन टू इट। मुझे मेरी फ्रेंड बोल रही थी कि तेरा बेटा तो आग बन गया, आग। इट वॉज अ कॉम्प्लीमेंट इनडायरेक्टली टू मी दैट यू नो एक्चुअली आई कुड डू दिस, एंड ऑफकोर्स हिज जिमिंग इज हिज एफर्ट, बट माई डाइट हैज बिन माई एफर्ट। आप लोग सब लोग इसको फॉलो करेंगे तो दीज विल बी सम यूजफुल वीडियोज एंड यूजफुल डाइट प्लान एंड वॉच देम, गुड लक। चलिए मेरा बेटा भी आ गया है, आ जाओ बेटा, इससे भी मिलवाती हूँ आपको, कम आराम से, चेयर मत तोड़ देना मेरा। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम तुषार है एंड आई एम 26 इयर्स ओल्ड, एंड जैसे मेरी मॉम ने अभी बताया ही होगा कि मैंने करीब 6-7 महीने पहले, जब लॉकडाउन बिल्कुल अपनी पीक पे था, तब सीरियसली वर्कआउट करना शुरू किया था, और तब से लेकर अभी तक ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है, बट कंसिस्टेंट एफर्ट से काफ़ी मेरे को अपनी फंक्शनल स्ट्रेंथ में और कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ में सब जगह मेरे को इम्प्रूवमेंट्स लग रही हैं। तो और वो एक चीज़ मेन इसमें यही रही है, विच इज़ द डाइट। और बहुत आपको सब जगह सुनने को मिलेगा कि यार जो आप खाते हो आप वही बन जाते हो, और वो बहुत ट्रू है। मतलब मेरे को मॉम ने ऐसा डाइट दिया है जिसकी वजह से मैं इंटेंस वर्कआउट्स कर पाता हूँ, मेरी पावर जो होती है वो मैं अच्छे से यूज़ कर पाता हूँ हैवियर लिफ्ट्स में और कार्डियो में, वो सब चीज़ों के लिए। और एक जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है मेरे डाइट की, वो ये है कि सारा वेजिटेरियन है। मतलब मैं चिकन मीट वगैरह छूता भी नहीं हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं खुद नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ, मैं खाता हूँ। मैं तो इनफैक्ट ये लॉकडाउन होने से पहले, पैंडेमिक से पहले, बहुत चिकन विकिन बहुत पहलता था, बट अब लॉकडाउन में हुआ ये कि चिकन की क्वालिटी कैसी है, मीट की क्वालिटी कैसी है, किसी को पता नहीं, तो वो सब खाना बंद ही हो गया। तो मेरा डाइट भी बिल्कुल वेजिटेरियन ही हो गया, अंडों को छोड़ के। और बस तब से लेकर अभी तक काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस रहा है मेरा, एंड ऑल थैंक्स टू माई मॉम जो मेरे को बहुत सपोर्ट करती हैं इस चीज में। तो एंड ही हैज जस्ट स्टार्टेड ऑन हिज जर्नी, सो इट्स ओनली बीन 7-8 मंथ्स पूरे, तो अब लेट्स सी हाउ इट प्रोग्रेसेस अहेड आल्सो। एंड सो गाइस, हैप्पी वाचिंग द वीडियोस अहेड एंड हैप्पी प्लानिंग योर डाइट। तो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन विद द ब्रेकफास्ट पार्ट नाउ। ये मैंने टू एग्स लिए हैं, आई हैव टेकन टू एग्स इन अ माइक्रोवेवेबल बोल विच विल गो इनटू द माइक्रोवेव ओनली फॉर 1 मिनट, not more not less। So these are 2 eggs microwaved without any oil or ghee or anything। This is rock salt, ये थोड़ा काला नमक है, इसमें sprinkle करना है थोड़ा, and this is black pepper, black pepper थोड़ा सा अच्छे से you can। Now I garnish it with little raw chopped capsicum, tomato and onion. Side mein just, all these are raw. If you like it raw, fine. Otherwise,
इसको आप उस टाइम पे जब माइक्रो कर रहे हैं एग को, उसी टाइम पर भी आप इसमें साइड में आप इसको डाल सकते हैं। और ये ओट्स हैं, आप कोई भी ओट्स ले सकते हैं, तो मैंने ये डिसानो ओट्स लिए हैं, दीज आर रोल्ड ओट्स। इसको आप फुल स्कूप एक एंड दो, जस्ट टू फुल स्कूप्स, एंड नाउ वील एड मिल्क इन दिस। यू कैन हैव इट विद वाटर ऑल्सो, और इफ यू लाइक मिल्क यू कैन हैव इट विद मिल्क, बट वेरी लो फैट मिल्क। ये वन बोल ऑफ ब्रोकली एंड हाफ कप ऑफ वाटर। नाउ दिस विल गो इन टू द माइक्रोवेव अगेन फॉर 2 मिनट्स, जस्ट फॉर 2 मिनट्स। तो जब तक ये हमारी ब्रोकली माइक्रो में हो रही है, वील टेक सम बेसिल सीड्स, हाफ टी स्पून ऑफ बेसिल सीड, हाफ से भी थोड़ा कम ही लेती हूँ मैं, उसको आपने पानी में सोक कर देना है जस्ट। सी नाउ आर ब्रोकली इज कुक्ड एंड बेसिल सीड्स दे आर ऑल्सो सोक्ड एंड नाउ दे बिकम फ्लफी। तो अब हम इन दोनों को मिला देंगे। And we will just put some rock salt and pepper, black pepper. कहाँ चला गया वो? ये rock salt and black pepper थोड़ा सा इसमें भी मिला दिया हमने, and we can just mix it. If you want, you can have the water along with it, or you can drain the water. अब वो 9 बजे का ब्रेकफास्ट तो इसका हो गया। आई देन अगेन गिव हिम समथिंग एट 11:30 AM, तो क्योंकि आजकल वर्क फ्रॉम होम वैसे भी चल रहा है, साल भर ही हो गया कोविड को तो वर्क फ्रॉम होम से। तो वन फुल क्यूकम्बर, एक एप्पल या बनाना, आइदर इट विल बी एप्पल और बनाना, वन कीवी हमेशा ही एवरी डे वन कीवी, या कीवी होगा या ऑरेंज होगा फॉर विटामिन सी, एंड आइदर ग्रीन ग्रेप्स और ब्लैक ग्रेप्स, दोनों ग्रेप में से एक, दिस मच एट 11:30 AM। तो ये हमारी दाल बॉयल हो चुकी है अभी, जिसमें मैंने हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर हल्दी पाउडर एंड हाफ टी स्पून ऑफ सॉल्ट और एक टोमेटो फुल टोमेटो डाला है, बाकी मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है। इसमें मैं बाद में सिर्फ थोड़ा सा हींग और थोड़ा सा जीरा इसका तड़का दूंगी, नथिंग। ये जीरा और हींग, हाफ टी स्पून जीरा एंड 1 पिंच ऑफ हींग, इसको हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है तवे पर। पहले हमने जीरा डाला है, थोड़ी देर उसको भून करके उसके बाद हमने हींग डाला है। ये हमारा ड्राई तड़का हो गया, ड्राई टेम्परिंग, सूखा तड़का जिसको बोलते हैं। अब इसको हम अपनी दाल में डाल देंगे। ये देखिए कितना अच्छा नाइस ब्राउन टेक्सचर, नाइस ब्राउन कलर, एंड बहुत अच्छी इसकी अरोमा आ रही है, बहुत अच्छी स्मेल है। तो बस इसको हमने बहुत अच्छे से भून लिया है और इसको अब हम अपनी दाल में डायरेक्ट डाल देंगे। ये हमने डाल दिया, ये दाल में हमने पूरा ये डाल दिया, और उसको अब दाल को हम एकदम कवर करके रख देंगे टू कीप द अरोमा इंटैक्ट। तो देखिए ये हमारी ड्राई तड़का दाल है, जिसमें हमने सिर्फ भुना हुआ जीरा और भुना हुआ हींग डाला है विदाउट एनी घी ऑयल और एनीथिंग। अब इसमें आप अपने अकॉर्डिंगली रेड चिली पाउडर डाल सकते हैं, या गरम मसाला आपको डालना है तो वो डाल सकते हैं, बट दिस इज ड्राई तड़का हेल्दी दाल रेसिपी। तो ये मैंने 2 टोस्ट किए हुए हैं, एक टोस्ट पर मैंने लगाया है हाफ टी स्पून पीनट बटर, और दूसरे टोस्ट पर मैंने लगाया है हाफ टी स्पून चीज स्प्रेड, और चीज स्लाइस यू कैन टेक, हाफ चीज स्लाइस यू कैन टेक। अब इन दोनों टोस्ट के ऊपर मैं ये मैंने सीड्स का कॉम्बिनेशन बना रखा है, जो कि सनफ्लावर सीड हैं, पम्पकिन सीड है, फ्लैक्स सीड है, मस्क मेलन सीड है एंड वाटरमेलन सीड्स हैं।
ये इतने सारे सीड्स इसमें मैंने मिक्स करके मैं रख देती हूँ डब्बे में एंड की आई स्टोर देम इन द फ्रिज. अब ये आप एक छोटी चम्मच लेना, मेरे पास ये स्कूप है, आप लोग छोटी यू कैन टेक अ स्मॉलर स्पून, उसमें आप इन दोनों के ऊपर थोड़ा थोड़ा सीड स्प्रेड कर दीजिए. तो ये आप लोग बाहर से यू बाय मल्टीग्रेन ब्रेड एंड व्हाट नॉट, उस सब की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, वो यू कैन मेक योर ओन ग्रेन ब्रेड. बिकॉज ही डज सो मच ऑफ इंटेंस वर्कआउट, तो मैं इसको रोज़ एक याकूल्ट भी ज़रूर देती हूँ, या ब्रेकफास्ट के टाइम ही दे देती हूँ या कभी कभी शाम को दे देती हूँ. मतलब इन 24 आवर्स वन याकूल्ट आई डेफिनेटली गिव टू हिम फॉर सम प्रोबायोटिक सप्लीमेंट. And at 4:30 p.m. I give him a drink, a health drink, जिसमें ये मैंने half teaspoon honey है and in lukewarm water and quarter teaspoon turmeric. ये दोनों मिला करके इसको I give it to him. And because of the COVID situation, I think this is a must drink for everyone. तो गाइज ये है मेरा माय प्रोटीन का चॉकलेट फ्लेवर, रॉकी रोड फ्लेवर है, चॉकलेट की तरह ही होता है और मैं इसी को लेता हूँ. यूजुअली आप जब भी प्रोटीन लोगे तो ये इंश्योर करना कि अच्छी क्वालिटी का लो. थोड़ा माय प्रोटीन एक्सपेंसिव आता है बट अगर आपको उसका ऑल्टरनेटिव चाहिए तो आप ले सकते हो, जैसे मसल ब्लेज का प्रोटीन आता है चॉकलेट, वो भी ले सकते हो. और बट ये टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप अच्छा प्रोटीन लो. और मैं क्या करता हूँ यूजुअली, मैं लो फैट मिल्क ले लेता हूँ, इसके अंदर करीब 200 कैलोरीज होती हैं और 10 ग्राम फैट होता है और 15 ग्राम प्रोटीन भी आ जाता है इसी के दूध के अंदर. सिर्फ प्रोटीन तो अलग से ले ही रहा हूँ मैं, तो इसका एक स्कूप लेता हूँ मैं प्रोटीन का. स्कूप इसका ऐसे डाल देता हूँ मैं. और एक सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये ऐसा लगता है कि आप चॉकलेट मिल्क शेक पी रहे हो, जबकि एसेंशियली आप ऐसा चॉकलेट मिल्क शेक जितना हाई कैलोरी वाली चीज नहीं पी रहे, बट जब भी मैं इसको पीता हूँ मेरे को लगता है वाह यार क्या मिल्क शेक बनाया आज तो, मेरा मजा आ गया. तो मैं दूध डाल लेता हूँ इसमें, सिंपल ही है, कोई बड़ा काम नहीं है. एक स्कूप लेके एक पैकेट, आधा लीटर का पैकेट आता है ये मदर डेयरी का लिव लाइट मिल्क आता है, वो मैं यूज करता हूँ. और बस फिर इसको बंद किया, शेक कर लिया. और हाँ, इसको बंद कर लिया करो, नहीं तो कई बार ऐसे शेक करते करते पूरा निकल भी जाता है बाहर, वो भी हुआ मेरे साथ एक दो बार. बस सो गाइस दीज आर द इंग्रेडिएंट्स फॉर चीज ऑमलेट. ये मैंने काट के रखा हुआ है अनियन, कैप्सिकम एंड टोमेटो. ये है सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर एंड ब्लैक पेपर पाउडर. ये टू बीटन एग्स अच्छे से बीट किया एंड दीज आर माय फेवरेट सीड्स. इसमें पम्पकिन सीड्स हैं, वाटरमेलन सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, मस्कमेलन सीड्स हैं, सेसमी सीड्स हैं एंड फ्लैक्स सीड्स हैं. वील जस्ट पुट सम सॉल्ट, turmeric and black pepper in this mixture and beat it again. Just अब ये pan में मैंने थोड़ा सा काओ देसी घी डाला हुआ है, half teaspoon, not more. I'll just pour the mixture, spread it evenly and then just like pizza इसको मैं स्प्रिंकल कर देती हूँ. गुड अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स शुड बी देयर, कैप्सिकम, अनियन एंड टोमेटो. इसी के ऊपर मैं बहुत थोड़े से 1 teaspoon यू कैन से आई स्प्रेड द सीड्स, ऑल द सीड्स, सो दैट व्हेन आई टर्न इट दे गेट रोस्टेड. एंड ऑन टॉप ऑफ दिस एवरीथिंग हैज गॉन ऑन टू द पैन नाउ. अब इसमें आई विल ग्रेट half a cheese cube. Okay, now low flame
एंड आई जस्ट लेट इट स्टे फॉर देयर फॉर 1 मिनट. एक मिनट के बाद मैंने ये ऑमलेट को टर्न कर दिया है एंड दिस इज द टेक्सचर. अब फॉर आई विल कुक इट फॉर 30 सेकेंड्स बिकॉज चीज इज ऑल्सो देयर एंड आई विल शो यू. बस गाइज नाउ इसको अब हम प्लेट में पलट देंगे. इसको बार बार हमने टॉस एंड टर्न नहीं करना है, जस्ट वंस वी हैव टू टर्न इट एंड उसके बाद आई जस्ट पुट इट लाइक दिस. दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट. सो फ्रेंड्स होप यू एंजॉयड वॉचिंग द वीडियोज एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर एंड कॉमेंट. And wait for the next segments, next videos, next diets. Everything will be posted. Thank you so much.